हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदवी। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ स्पीशीज के बारे में, लेकिन ये एक क्विक फॉर्मेट का रिवाइज वीडियो होने वाला है। आपके लिए हम इस टाइप की वीडियो इसलिए लेकर आते हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि जो भी लेंथी टॉपिक है उनको शॉर्ट टाइम में भी कवर अप किया जा सकता है फॉर योर रिविजन पर्पज। क्योंकि कोई भी कंसेप्ट हम डील करते हैं ना, तो हम पहली बार होता है जब हम बहुत लेंथी बेसिस पे पढ़ते हैं, जब सेकेंड टाइम पढ़ते हैं तो हमें उस टाइम तक समझ में आ चुका होता है कि किस इन्फॉर्मेशन को हमको गैदर करना है और कौन सा इन्फॉर्मेशन सिर्फ वन टाइम दैट इज एक्सप्लेनेशन है या फिर एक तरीके से नॉलेज है। क्योंकि आप किसी भी टॉपिक को जब पहली बार पढ़ते हैं तो आप सेलेक्टिव नहीं पढ़ सकते हो, आपको उस टाइम पे लगभग जनरल एंड सेलेक्टिव दोनों मिक्स करके पढ़ना होता है। लेकिन जब धीरे धीरे करके आप आगे रिवाइज करते जाते हो तो आपको एक आइडिया लगता है कि हाँ, कौन सा इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो कि काफी जनरल बेसिस पे दे के रखा है, जिसकी अभी जरूरत नहीं है। जब फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ा था तब हमें जरूरत थी। अब उसके बाद क्या होता है, जितनी बार हम रिवाइज करते जाते हैं हम फिल्टर करते जाते हैं और सेलेक्टिव चीजों को हम पिक कर लेते हैं, जिससे हमारे पास जब रिविजन टाइम आता है तो हमारे पास बहुत ही सेलेक्टिव चीजें बचती हैं। क्योंकि रिविजन टाइम में हमारे पास वक्त कम होता है और कंटेंट बहुत ज्यादा होता है जिसको रिवाइज करना होता है। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरी उन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश है जिसमें कि मैं आपको बता सकूं कि एक ऐसे टॉपिक को जो कि काफी लेंथी टॉपिक है उसको आप जो है इजीली 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, बशर्ते आपने उसके नोट्स को इस तरीके से क्रिस्प फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हो। मैं बात कर रही हूं यहाँ पे इकोलॉजी में आपका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं टाइप ऑफ स्पीशीज। इसी स्पीशीज को जो है मैंने आप कह सकते हो कि एक रिविजन स्लाइड में कन्वर्ट कर दिया है। इस टॉपिक को पढ़ाने में जैसे कि जो इनवेसिव स्पीशीज वाला चैप्टर है वो बहुत बड़ा है क्योंकि उसमें बहुत सारे केस स्टडीज हैं, और इसके अलावा जो बाकी स्पीशीज हैं उनको भी लाइक पढ़ने में एक पर टॉपिक जो है 20 से 30 मिनट का एक टाइम मतलब एक तरीके से टाइम लगता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करने में आपको मिनिमम से मिनिमम भी जो है 3 घंटे का टाइम लगता है जब आप पहली बार पढ़ते हो, और अगर आप बहुत अच्छे से डिटेल में एज वेल एज केस स्टडी को इंक्लूड करके पढ़ते हो तो आराम से 4 से 5 घंटा लग जाता है। जब हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ाते हैं बच्चों को ये, तो इजिली जो है मोर देन 4 आवर्स का टाइम लग जाता है इन सारी टाइप की स्पीसीज को, उनके डिटेल्स को, केस स्टडी को एंड एग्जाम्पल्स को पढ़ाने में। लेकिन आज हम इस टॉपिक को सिर्फ 5 मिनट में जो है कवर कर लेंगे। लेकिन ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा जिन्होंने ऑलरेडी इस टॉपिक का मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन कर लिया है और वो रिवीजन को एक तरीके से रिवीजन के लिए सर्च कर रहे थे कि इतनी बड़ी बड़ी टॉपिक को छोटे में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। इससे पहले भी हमने कुछ माइंड मैप डिस्कस किए थे रिगार्डिंग द डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो आपको जो है एक आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से एक बड़े टॉपिक को जो है छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड किया जा सकता है, और ये भी एक बड़ा टॉपिक है जिसको कि हमने काफी छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। तो देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि मैं आपको बोल बोल के बता रही हूं तो मुझे ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन जब आप इसको रीड करके और रिवाइज करोगे तो आपको मेरे से भी कम टाइम लगेगा। जैसे कि जो पहला टाइप ऑफ स्पीशीज आता है वो आता है जर्नलिस्ट स्पीशीज। ये किस टाइप की स्पीशीज होती है जो कि वैरायटी ऑफ प्लेसेस पे रह सकती है, वैरायटी ऑफ फूड आइटम पे फीड कर सकती हैं, वाइड रेंज ऑफ इनका टॉलरेंस होता है मतलब इन्वायरमेंटल जो कंडीशन होते हैं उसमें बहुत वाइड रेंज में ये टॉलरेट कर सकती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया दैट इज रकून्स। मैं एक एक एग्जांपल यहाँ पुट करती जा रही हूँ, आप चाहें तो अपनी तरफ से 3-4 और एग्जाम्पल यहाँ पे एड कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं जनरलिस्ट, जिनका की लाइफ स्टाइल जो है बहुत ही जनरल टाइप का होता है, कुछ भी स्पेसिफिसिटी बहुत कम होती है इनमें, इसीलिए ये काफी अच्छे सर्वाइवर होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक जो है एक एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं, और मतलब इनके पास स्पेसिफिक एरिया नहीं होता है जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि स्ट्रेस कंडीशन झेलने को नहीं मिलता है। सेकेंड टाइप आप देख सकते हैं जिसको कि हम कहते हैं स्पेशलिस्ट स्पीसीज। स्पेशलिस्ट का क्या केस क्या है, नाम से पता चल रहा है स्पेशलिस्ट, यानी कि बहुत बहुत स्पेसिफिक होंगे ये। अब स्पेशलिस्ट का मतलब क्या हो गया कि इनका जो नीश होगा, नीश यानी कि द फंक्शनल कंडीशन जिस कंडीशन में ये पाए जाते हैं, तो इनका जो नीश होगा वो काफी ज्यादा आप कह सकते हो स्पेसिफिक होगा, जिसको कि हम कहते हैं कि इनका नीश यूटिलाइजेशन जो है मतलब कि अगर हम साइज की बात करें तो नीश का साइज तो नैरो होगा लेकिन सीधी सी बात है उस साइज का जो यूटिलाइजेशन होगा वो हाई होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी का छोटा घर है तो वो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेगा, चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो कोई भी अपने घर को मैक्सिमाइज करके यूज करता है।
ऑल्दो यहाँ पे नीश घर से तो रिलेट नहीं हो सकता है, लेकिन यस लिविंग कंडीशन से जरूर रिलेट हो सकता है, क्योंकि नीश क्या होता है, नीश जो है एक लिविंग कंडीशन होता है। तो स्पेशलिस्ट स्पीसीज की जो नीश होती है वो काफी नैरो होती है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन बहुत हाई देखने को मिलता है। और ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ हैबिटेट में रहेंगे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड पे ये फीड करेंगे, एज वेल एज जो नैरो रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन होता है ये उस पे एक्चुअल में जो है थ्राइव करने का काम करते हैं। ये बहुत ब्रॉड रेंज में नहीं रह सकते हैं, इनको रहने के लिए बहुत स्पेसिफिक चीजें चाहिए। इस वजह से इनके ऊपर जो आप कह सकते हो कि स्ट्रेस कंडीशन जो है वो बहुत जल्दी इनके ऊपर हावी हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी मतलब कि फ्लक्चुएशन आया क्लाइमेटिक कंडीशन में या इन्वायरमेंट में, तो ये बहुत जल्दी इफेक्ट होने लगते हैं, क्योंकि इनके ऊपर मतलब इनका हर एक रेंज जो है स्पेसिफिक है। अगर उस स्पेसिफिक रेंज से अगर ये हटे तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि मतलब इनकी लाइफस्टाइल में इफेक्ट एक तरीके से दिखने लगता है। तो ये बहुत ही नैरो रेंज में हर चीज को जो है एक तरीके से टॉलरेट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया पोलर बियर, क्योंकि पोलर बियर जो है स्पेशलिस्ट स्पीशीज का पार्ट है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि कोआला, जो कि यूकलिप्टस की ट्रीज पे फीड करता है। इसके अलावा आपके पास हो जाता है अगर हम और कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हमारे पास चले आते हैं पांडा, ठीक है, जो कि बैम्बू ट्रीज पे फीड करते हैं। तो ये सब कुछ एग्जांपल हो जाते हैं आपके लिए स्पेशलिस्ट स्पीसीज में। अगला एग्जांपल आता है हमारे पास डोमिनेंट का। अब डोमिनेंट कंडीशन ऐसा कंडीशन है जिसमें कि हम अबंडेंस से रिलेट करते हैं, मतलब कि किसी स्पीसीज का एक कम्युनिटी में नंबर बहुत ज्यादा है तो हम कहते हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, क्योंकि वो उनका नंबर ज्यादा है। तो नंबर के बेसिस पे जो है वो अपना प्रोपोर्शनेट इफेक्ट दिखाती है इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे। इसका एग्जांपल हो गया एल्डर ट्री की जो पॉपुलेशन है। नेक्स्ट आता है कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम में, जिसकी वजह से इनका नंबर यानी अबंडेंस इसका कम भी रहे उसके बावजूद भी जो है इनका इफेक्ट बहुत लार्ज होता है। ये किसी भी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में मदद करती है, और जब ये किसी भी इकोसिस्टम में प्रेजेंट रहती है तो लगभग सारे इकोसिस्टम को बहुत ही बैलेंस तरीके से जो है मैनेज करके रखती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया दैट इज सी ऑटर, अफ्रीकन एलिफेंट, और भी बहुत से एग्जाम्पल है, ठीक है, बनियान ट्री हो गया। अगला जो हमारा टाइप है दैट इज अ फ्लैगशिप स्पीसीज। फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होती है, ये स्पीसीज ऐसी होती है जो इनका नंबर के बेसिस से बात की जाए तो ये लार्ज हो सकती हैं, सिंगल हो सकती हैं, लेकिन ये रिकॉग्नाइजेबल होंगी, यानी कि इनकी अपनी एक पहचान होती है, इसको आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसलिए इनको फ्लैगशिप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और ये कंजर्वेशन बायोलॉजी में मदद करती है, क्योंकि इस टाइप की अगर हम स्पीसीज को चूज करते हैं तो हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रिलेटेड सपोर्ट को जो है रेज कर सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल हो गया इसका बंगाल टाइगर। अगर बात करते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज, तो अम्ब्रेला स्पीसीज भी जो है कंजर्वेशन रिलेटेड डिसीजन का ही पार्ट होती है, और क्योंकि ये स्पीसीज को अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली हम बहुत सी अदर स्पीसीज को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो हैबिटेट रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत लार्ज होता है, बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, जिसकी वजह से उस एरिया में आने वाले सारी स्पीसीज का ही डायरेक्टली जो है एक तरीके से प्रोटेक्शन हो जाता है। ऐसा एग्जाम्पल आपको साइबेरियन टाइगर्स में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आती है इनवेसिव स्पीसीज। इनवेसिव स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनको अपने नेटिव रेंज से निकाल दिया गया है, या वो निकल गई हैं और किसी और के नेटिव रेंज में पहुंच गई हैं, लेकिन क्योंकि ये किसी और के नेटिव रेंज में पहुंच गई हैं तो इसे हम नॉन नेटिव स्पीसीज कहते हैं। जब ये नॉन नेटिव स्पीसीज किसी और को हार्म पहुंचाने लगती हैं तो इन दैट केस हम कहते हैं कि ये इनवेसिव नेचर शो कर रही हैं। इनका मेन काम होता है कि जिस भी एरिया में ये जाएंगी वहां के ऑर्गेनिज्म को जो है ये हार्म पहुंचा सकती हैं, उनके हैबिटेट को ये ऑक्यूपाई कर सकती हैं, उनके फूड पे ये फीड कर सकती हैं, जिसकी वजह से अगर इनका इंट्रोडक्शन किसी ऐसे एरिया में हो जाता है जहां जो एरिया इनके सर्वाइवल के लिए काफी अच्छा है, तो वहां के जो मतलब नेटिव स्पीसीज होती हैं उनको वो एक तरीके से एलिमिनेट कर देती हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो गए, लाइक लंटाना कमारा हो गया, प्रोसोपिस जूली फ्लोरा हो गया, इसके अलावा कांग्रेस ग्रास हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके आपको मिल जाएंगे। लास्ट आता है हमारे पास इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनका प्रेजेंस, एब्सेंस, अबंडेंस, चेंजेस, इन सबको देख कर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इकोसिस्टम में एक्चुअल में मतलब की कंडीशन किस टाइप का चल रहा होगा, क्या इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट अच्छा है, हेल्दी है, या फिर वहां पे कोई इन्वायरमेंटल रिलेटेड चैलेंजेस आने वाले हैं। तो ये एक तरीके से हमको जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन एज वेल एज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है लाइकेंस, जिनका प्रेजेंस हमको ये बताता है कि वहां की जो
एयर की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, और जहां पे मतलब लाइकन्स पहले थे और अब नहीं है, तो वो ये बताते हैं कि पहले के कंपैरिजन में वहां का जो एयर की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा डिग्रेड हो गई है। तो ये हो गया हमारे पास, दैट इज एग्जांपल एज वेल एज टाइप ऑफ स्पीसीज और उनके नाम की स्पीसीज क्या है, उनके मेन फीचर्स क्या है, एज वेल एज उनके एग्जाम्पल्स क्या है। अगेन जैसे कि मैंने कहा, आप एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है और आप जो है यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स एड कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पे फीचर्स लिए हैं वो इनके मेन प्रॉपर्टीज है जो इनके डेफिनेशन को भी बताते हैं और इनकी खासियत को भी बताते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। एंड मेक श्योर अगर आप सीएसआर नेट या गेट की तैयारी करना चाहते हैं विद मी के साथ, तो आप हमारे पेड क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।